हेलो फ्रेंड्स, जेन ब्यूटी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनप्रीत। डीप स्किन क्लेंजिंग कैसे करें ये मैं आज आपको बताने वाली हूं। उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो होगा आपका ब्लैक पाउडर। तो क्या है ये रेमेडी, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम राइस पाउडर डालेंगे, आप 1.5 टेबल स्पून राइस पाउडर डालें। उसके बाद हमें चारकोल पाउडर जो लेना है, 1 टेबल स्पून चारकोल पाउडर डालेंगे। ये 1 टेबल स्पून चारकोल पाउडर हमने डाला। उसके बाद हमने डालना है शहद। शहद के बाद थोड़ा सा हमें लेना है एलोवेरा जेल और इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो होगा वो थोड़ा सा दरदरा होगा, क्योंकि राइस पाउडर जो होता है वो एकदम स्मूथ नहीं होता है, और यही हमारे पोर्स को क्लीन करने में हेल्प ही करेगा। तो अगर इस मास्क के बारे में हम बात कर लें, तो ये चारकोल और राइस पाउडर मास्क जो है, इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चारकोल होता है हमारी डीप क्लेंजिंग के लिए, जो हमारे पोर्स होते हैं उनको क्लेंज करता है। और जब हम इसमें राइस पाउडर इंक्लूड करते हैं तो वो एक स्क्रबिंग का काम करता है। तो ये 2-in-1 पैक है, आप ये ऐसा कह सकते हैं। तो अब बारी है इस पैक को लगाने की, तो मैं अपने फिंगर टिप से ही इसे लगाऊंगी और इस तरीके से इसे ऐसे लेना है और आप यूं। तो जनरली जो हमारे पोर्स होते हैं वो आपके चीक्स एरियाज पे ज़्यादा होते हैं, तो हम इस पर ही फोकस करेंगे कि हमारी जो चीक्स हैं वो अच्छे से इस मास्क से कवर हो सके। और इसे जो सूखने के लिए आपको छोड़ना है वो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना होता है। मैक्सिमम ऐसे मास्क को आप जब भी लगाएं तो वो 10 मिनट से लेकर के 12-13 मिनट तक ही छोड़ें। तो मैं अपना जो नोज़ वाला एरिया है और जो चीक्स वाला एरिया है वो कवर कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद हमारी बारी आएगी इसे स्क्रब करने की। तब इसे 10 मिनट के लिए सूखने दें और हल्का सा, जब वो एक हल्का मॉइस्चर उसमें रह जाए तो स्क्रबिंग करके आपको निकालना है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आपको स्क्रबिंग करना है और उसके बाद 5 मिनट आप स्क्रब कीजिए और जाकर ठंडे पानी से मुंह धो के आइए। तो आप जल्दी से ये मास्क बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब आपने ये मास्क लगाया तो उसका रिजल्ट क्या रहा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाएं, उसके लिए आपको NBT Life को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है।